हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं पतंजलि दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट का। तो ये जो पतंजलि का दंत कांति का जो टूथपेस्ट है, इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। 100 ग्राम का ये है, बाबा रामदेव जी प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो टूथपेस्ट है, ये खास करके आपके दांतों में जो भी दिक्कतें आती हैं, जैसे सुबह उठते हैं आप, रात में सो के तो मुंह में बदबू आती है, वो उस मुंह की बदबू को दूर करता है, ठीक है। और दांतों मसूड़ों को ये मजबूत बनाता है, बहुत ही हेल्दी है ये प्रोडक्ट। तो इसमें किसी भी तरह का कोई अभी तक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, और इसको मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है तो इसमें किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देखने को मिला। इसमें देखिए, इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं, जैसे आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। देखिए कंपोजिशन, ईच 10 ग्राम कंटेंट्स, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अकरकरा है, नीम है, बबूल है, ठीक है, तोमर है, पुदीना है, लौंग है, पिपली है, ठीक है, छोटी जो है वो है, वज्रदंती, बकुल है, विडंग, हल्दी, पीलू, मेस्वाक है, ठीक है, माजूफल है। ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है, पुदीना, लौंग, नीम, ठीक है, ये आपके दांतों को बहुत ही मजबूत रखता है, आपके दांतों को स्वस्थ रखता है। एक्सपायरी डेट 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो इसका प्राइस है वो क्रीम पे मौजूद है। ये 100 ग्राम का है, नेट वेट 100 ग्राम, ये क्रीम पे यहाँ मौजूद है। तो ये 60 रुपये का ये पतंजलि जो दंत कांति टूथपेस्ट है, ये 60 रुपये का ये पेस्ट है, टूथपेस्ट है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दी गई हुई है, ठीक है। आपके दांतों में किसी भी तरह के जो भी संक्रमण है उनको आने से रोकता है। ये आपके मसूड़ों को भी टाइट करता है, कीटाणुओं को दूर भगाने में मदद करता है, मतलब उनसे फाइट करता है, जम से। और गिव्स एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन एंड लॉन्ग लाइफ टू टीथ एंड गम्स बाय मेकिंग देम हेल्दी। और तो आपके जो बहुत ही ये आपके दांतों को प्रोटेक्ट करके रखता है कि आपके दांत लंबे समय तक चले, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी जर्म्स वगैरह ना लगे, कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं दांतों में, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। मुंह में जो भी किसी भी तरह के मसूड़ों में खून आना, दांतों में पैरे अलग जाना, और दांतों की जो भी समस्या होती है, खून आना, दांतों में मसूड़ों में दर्द होना, कीड़े जो लग जाते हैं दांतों में, तो जिसकी वजह से आपके दांत खराब हो जाते हैं, ये उससे प्रोटेक्ट करता है। फाइट अगेंस्ट डेंटल प्रॉब्लम, ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम, ठीक है, जो आपके मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। ये काफ़ी अच्छा टूथपेस्ट, आप इसका रेगुलर हमेशा यूज़ कर सकते हैं, दूर करता है पीलेपन को भी। इसमें दिया गया हुआ है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। तो लौंग है, नीम है, ये जो बबूल है, बबूल के फूल, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जो इसमें बताए गए हैं, वो वाकई में काफ़ी हेल्दी होते हैं हमारे दांतों के लिए। चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो नीम की पत्ती, ठीक है, दांतों के लिए बहुत ही अच्छी है, जर्म्स से हमें प्रोटेक्ट करती है, किसी भी तरीके के बैक्टीरियाज हैं उनसे हमें बचाती है। ये जो नीम होती है, बचपन से हम सुनते आए हैं नीम के पेड़ में जो दातुनी होती है, आप अगर उसका यूज़ करते हैं तो आपके दांतों में मतलब किसी भी तरीके का कोई भी जल्दी किसी भी तरीके दांत आप ख़राब नहीं होते, आपका पीलापन भी दूर होता है, आपके मसूड़ों में जो भी दिक्कतें होती हैं, खून आना, पैरिया लगना, ठीक है, दांतों की सफाई के लिए और पीलापन दूर करने के लिए और मसूड़े और दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में, पुराने के ज़माने के लोग इसका इस्तेमाल भी करते थे, ठीक है, और सभी यही इस्तेमाल करते थे, दातुनी करते थे अपने दांतों में सुबह सुबह उठ के, ताकि आप वो अपनी दांतों की मुँह की दुर्गंध को भी दूर कर सकें, जो रात भर सोते हैं आप, उठते हैं जब सो के, तो उसको दूर कर सकें, दांतों को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें, तो इस वजह से लोग दातुनी का भी यूज़ करते थे। तो अब लोग फ़िलहाल तो ये सब बंद कर चुके हैं, सबका यूज़ नहीं करते, फिर भी मैं बता दूं, ये जो प्रोडक्ट है ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी से बना हुआ टूथपेस्ट है और हेल्दी है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस टूथपेस्ट का। बस ये है कि आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो आप इसका यूज़ करें, उसको मतलब उगल देते हैं ना, तो उसको निगले ना, ठीक है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, तो बड़े तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि नहीं, वो मंजन किया, बाहर कर दिया, ठीक है,
और लेकिन छोटे बच्चों का खास करके आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ में कि वो निगले ना, कोई भी मंजन निगले ना, क्योंकि उसमें जो भी हार्मफुल चीज़ें मिली होती हैं, तो क्योंकि इसको भी लंबे समय तक रखने के लिए इसमें भी कई तरीके के केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जो नुकसान कर सकते हैं अगर उनको निगला जाए तो। तो कोई भी टूथपेस्ट हैं तो उनको आप बिल्कुल ना निगलें, मतलब उसको टूथपेस्ट को इस्तेमाल करें और उसको थूक दें मंजन करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले उस प्रोडक्ट के साथ, तो बाय बाय, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।